आज के इस वीडियो में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नोट्स फर्स्ट पेपर का दिखाऊंगा। पहले देखिए नोट्स है, पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं फिर नोट्स दिखाएंगे। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, पेपर फर्स्ट है। तो इसमें पहले नामिनक्लेचर दिया है, जेनरिक नेम एंड ट्रेड नेम। तो चलिए इसका नोट्स हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए नामेनक्लेचर का है चैप्टर यूनिट फर्स्ट, और ये देखिए नोट्स है। ट्रेड नेम माने कॉमन या एंशिएंट केमिकल नेम, सोडियम बेकिंग पाउडर का सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, ब्लू विट्राल, कॉपर सल्फेट, ऐसा इसके कॉमन नेम है। और सब कुछ देख लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका नोट्स कहीं मिलने वाला न किताब मिलने वाली, आप परेशान नहीं हो रही थी आपको। देखिए यहाँ 6H2 है, या तो आज है SO4 है, आयल ऑफ विट्राल, जिंक सल्फेट, मार्स गैस, मेथेन, CH4, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, लाफिंग गैस, शुगर, नौसादर, और भी बहुत से हैं। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछा जाता है राइट टू नेम ऑफ कॉमन नेम, वहाँ लिख देगा वुड स्प्रिट, तो आपको मेथिल एल्कोहल विद फार्मूला पूछेगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक दिया है जेनरिक नेम, जेनरिक नेम इस पे देखिए यहाँ पर जेनरिक नेम दिया है, इस पे 60 नोट्स आता है, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जेनरिक नेम है, इस पे 60 नोट्स आता है, तो आप इतना लिख लेंगे पर्याप्त है, 5 नंबर में आता है। अब आप नामेनक्लेचर का चैप्टर पूरा हो गया, अब देखते हैं इसमें ढेर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा था, और यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कम 15-20 नंबर से आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए इसमें दिया है फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड आयल, तो यह 7.5 नंबर में पूछा जाता है, आप यह हर साल आता है, तो हम आपको दिखा देते हैं। और नेचुरल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आगे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 और फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड आयल रिफाइनिंग आर डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड आयल या रिफाइनिंग ऑफ क्रूड आयल, जैसे भी पूछेगा आप यही लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ जगह छोड़ा ताकि फिगर बनाना है, फिगर आपको हम इस पेज पे दिखा रहे हैं। देखिए फिगर यहाँ पर है, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड आयल का है। देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज कैटेलिटिक क्रैकिंग, तो आपको हम दिखाते हैं इधर। देखिए कैटेलिटिक यही है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रैक्शनेशन आप क्रूड आयल हो गया है, अब क्रैकिंग भी बता दिया हमने, रिफार्मिंग एंड हाइड्रो फार्मिंग, यह हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। यह भी पूछा जाता है हर साल, और आइसोमेरिज्म मेराइजेशन, यह भी हर साल आप देखेंगे 18 के पेपर में, हमने वीडियो के लास्ट में दिखाया है पेपर, आप वहाँ देख लेंगे। यह हर साल आता है, 14 से अब तक 18 तक आ चुका है, तो हम आपको यह दिखाते हैं, यह सब दिखाएंगे वीडियो अगली वीडियो में। देखिए पेट्रोलियम का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लगा है, यह एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज पेट्रोलियम,
आप यही लिखेंगे पेट्रोलियम के बारे में, या व्हाट इज क्रूड ऑयल तो आप यही लिखेंगे। चलिए आइसोमेरिज्म देखते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ आइसोमेराइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह देखिए हर साल आता है, तो आप इसे क्लियर कीजिए, आप वीडियो को रोककर नोट्स अवश्य बनाएं। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आइसोमेराइजेशन, आपको पेट्रोलियम में भी बताया जाएगा। देखिए अब आइसोमेराइजेशन हो गया, अब चैप्टर 3 आता है कोल। अब कोल टाइप्स ऑफ कोल प्रॉपर्टी, कैलोरीफिक वैल्यू, डिस्टिलेशन ऑफ कोल, केमिकल ड्राइव्ड फ्राम देम। यदि आप जो चैप्टर में छूट रहा है या समस्या कोई तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए कोल देखते हैं। देखिए यह कोल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कोल। देखिए यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू और इसके टाइप्स, आप देखिए यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू दी है, यह एक नंबर में पूछा जाता है। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, यह BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और कोल का यूज देखिए आप, कोयले का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए बॉयलर इंजन फर्नेस ETC, बहुत जगह होता है इसका उपयोग। और आप देख लीजिए यहाँ पर यह कोल गैस लिखा है, कोल गैस। और आगे देखते हैं, इट इज आल्सो, यह सब यूजेज हैं कोल के। एंथ्रासीन, चार, देखिए अब चार कोल आ गया है, चार कोल की प्रॉपर्टीज, चार कोल और उसकी प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हैं चार कोल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यह पोरस, यहाँ कुछ नहीं है, यूएस POR US, पोरस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट, देयर फोर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, देयर फोर आप कर लीजिए यहाँ पर एब्जॉर्बेंट। फिर इफ कैन, अब एक्टिवेटेड चारकोल, यह सब देखिए टाइप्स ऑफ कोल है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। यह सब टाइप्स हैं कोल के। चलिए आगे देखते हैं। आप नोट्स बनाते हैं, आप जानते हैं इसका कहीं नहीं मिलने वाला, न नोट्स न किताब। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने इससे रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड करना है अभी। चलिए अब दूसरा कोल होता है एनिमल चारकोल और बोन चारकोल। तो इट इज, आप देख सकते हैं क्या होता है, यह परीक्षा में इस साल पूछा गया था यह सब टाइप्स। हम आपको अभी पेपर दिखाएंगे, 4-5 साल के, 2012 से लेकर 18 तक के पेपर दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। ब्लैक लैंप ब्लैक, जिसे आप काजल कहते हैं, यह यूजेज है इसके। जो इस वीडियो में छूट रहा है आप कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में हम उसको देंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज आप चारकोल, यह सब प्रॉपर्टीज हैं, यही इस साल पूछा गया था परीक्षा में। और देखते हैं सिलेबस में और क्या दिया है, देखते हैं सिलेबस में क्या दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, प्रॉपर्टीज टाइप्स हो गई कोल की, अब डिस्टिलेशन ऑफ कोल, केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम देम। यह देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है 5 नंबर और 7 नंबर में, तो इसको देख लेते हैं। देखिए चैप्टर 3 कोल,
कोलिक नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इतना लिखेंगे केवल, और ओरिजिन एंड फार्मेशन ऑफ कोल, माने ओरिजिन की कोल की उत्पत्ति कैसे हुई थी और फार्मेशन कैसे माने बना था कोल, तो आप यह देख लीजिए। आपको कहीं नहीं मिलने वाला नोट्स बीएससी का ऐसा। हमने और भी फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत से पेपर और हल कर कर सेकेंड पेपर इंडस्ट्रियल फिजिक्स केमिस्ट्री सब यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, आप चाहे देख सकते हैं। चलिए अगली आगे देखते हैं। देखिए पहले डेट प्लांट हुए सब पेड़ पौधे, डेट हुए फिर पीट बना, फिर लिगनाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, फिर ग्रेफाइट, फिर डायमंड। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितने पर कोल में कितने परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं। देख लीजिए कोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक कोल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। देखिए यह पूछा जाता है, यह इस साल भी आया था, अगले साल भी आया था, हर साल आता है और आएगा भी। डिस्टिलेशन ऑफ कोल और कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल, देखिए यह भी यहाँ पर दिया है सिलेबस में आपके। डिस्टिलेशन ऑफ कोल या कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल पूछे तो आप यही लिखेंगे। और यह देखिए बिटुमिन्स कोल, देखिए डिस्टिलेशन ऑफ कोल हो गया, केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम देम। अब आते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैं इस चैप्टर में पहले सेलुलोज स्टार्ट और उसकी प्रॉपर्टीज, मॉडिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम देम, एल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड एंड परफ्यूरल। चलिए हम इसका नोट्स दिखाते हैं आपको। हमने देखिए यहाँ पर सेकेंड पेपर भी है, इसका भी मैंने नोट्स दिया है, पेपर भी। देखिए सेलुलोज था ना, सेलुलोज आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलुलोज है। अब इसमें भी देखे थे सेलुलोज स्टार्च, सेलुलोज स्टार्च आप देख सकते हैं सेलुलोज, इसकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, आप इसको गलत मत समझिए, ऑक्सीजन थोड़ा गलत हो गया है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। और जो लिंक है यह, इसको बीटा लिंकेज कहते हैं। देखते हैं सेलुलोज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, केमिकल ड्राइव्ड आप सेलुलोज पूछा रहता ना, केमिकल ड्राइव्ड फ्रॉम देम सेलुलोज, देखिए यह केमिकल ड्राइव्ड है इसके। यह भी परीक्षा में इसी साल आया था। और स्टार्च पे आइए, स्टार्च यह स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, अकुरेंस, मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन। यह स्टार्स के स्ट्रक्चर हैं, देखिए स्ट्रक्चर हमको दिखाते हैं स्टार्स के स्ट्रक्चर। एमाइलोज यह स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड।
ये पॉलीसेकेराइड सही नहीं लिखा है, आप सही कर लीजिए इसको। और यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, और ये एमाइलोपेक्टिन है, और यहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, आप सही कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए स्टार्च सेलुलोज हो गया, और स्टार्च की प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ये आपको सब कहीं नहीं मिलने वाला। फिर सिलेबस में देखिए स्टार्च सेलुलोज हो गया, अब एल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड एंड फर्फ्यूरल, चैप्टर 4 नेचुरल रिसोर्सेज। एल्कोहल ना, देखिए एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में 60 नोट्स आता है, इसका प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर भी जानते रहिए। और अगला आप पेज देखते हैं, ये इंडस्ट्री में एल्कोहल इस प्रकार से बनता है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से देख सकते हैं। यह बॉइलिंग पॉइंट 78.2 डिग्री सेल्सियस है, और यह इसके यूज है, आप एल्कोहल में एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी कुछ भी ले सकते हैं। एल्कोहल तो एल्कोहल, फिर ऑक्जेलिक एसिड दिया है, ऑक्जेलिक एसिड को एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड भी कहते हैं, ये एलिफैटिक होता है। आप इसके जनरल फार्मूला ऑक्जेलिक एसिड या डाई कार्बोक्जिलिक एसिड, देखिए इसके फार्मूला है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हमने लिखा है आपके जानकारी के लिए। हाइड्रेट का मतलब, एनहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड, नो जल जल, ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन। हमने और भी बहुत से नोट्स तैयार किए हैं, आपको यूट्यूब पे हमने अपलोड किया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। फर्फ्यूरल, यह एक नंबर में पूछा गया था इस साल। फर्फ्यूरल यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक नंबर में पूछा गया था आपके, वो इतना ही लिखेंगे। इसका प्रिपरेशन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज फ्यूरान, ये फ्यूरान है, काफी बारीक अक्षर हैं आप। ऑक्सीडाइज्ड, चेंजिंग थ्रू येलो ब्राउन ऑलमोस्ट, चेंज कैन बी ऑक्सीडेंट, हाइड्रोक्विनोन, और आगे देखते हैं। यह CHO है, यह 5 पोजीशन पे, इसलिए 5 नाइट्रोफ्यूरल। इसके यूजेज देखिए, यह सब भी होगा, एल्कोहल, ऑक्सिलिक एसिड, फर्फ्यूरल, यह सब हो गए। अब आते हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसमें पल्वराइजेशन नहीं पूछता, कम पूछता है, या कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये सब पूछता है। आयरन, इसमें आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यही तीनों पूछे ही जाते हैं, तो चलिए इनको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 5 मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या होता है,
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। आप देख सकते हैं इसके भी नोट्स हमने और पेपर भी हल्के हैं, आपको दिखाएंगे लास्ट में। देखिए मिनरल और ये सब एक एक नंबर पूछे जाते हैं, आप इसको थोड़ा गौर से देखिए। देखिए हमने ये डिफरेंस पूछा था, ये डिफरेंस लिया लिखा है, आपको थोड़ा बारीक है दिखने में दिक्कत होगी। देखिए हमने यह थोड़ा बारीक में लिखा है, आप देख सकते हैं यह एक नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो आप यही लिखेंगे मटेरियल है यह। यह सब पूछे तो नहीं जाते हैं, पर जनरल जानकारी आप रखिए कि कैसे रिफाइनिंग होता है। ये सब पूछे नहीं जाते हैं, आप जनरल जानकारी रखिए। देखिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, यह पूछा जाता है राइट टू नेम आप एल्यूमिनियम ओर, तो आप विथ फार्मूला, तो आप एल्यूमिनियम के दो एस के नाम लिखेंगे और इसके फार्मूले लिखेंगे। एल्यूमिनियम के बाद लेड आता है, देखिए यह इम्पॉर्टेंट है और यह इम्पॉर्टेंट है और यह एल्यूमिनियम वाला, यही तीन अक्षर पूछे जाते हैं। राइट टू नेम आप आयरन विथ फार्मूला, तो आप ये लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैल्सिनेशन यह पूछा जाता है, ये रोस्टिंग। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड है सल्फेटिंग रोस्टिंग, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड, थर्ड पेपर हमने नोट्स अपलोड किए हैं, आपने भी देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। यह रिडक्शन है साइमल्टेनसली, लिक्विफिकेशन, यहाँ पर ई रहेगा यू के बाद, थोड़ा तो डिस्टर्ब हो गया होगा। इसका एक फिगर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज वो प्लस माइनस वाला नहीं, चार्ज माने घन एक बार जो इसमें डाला जाता है, यहाँ आप इंग्लिश में देख लीजिए चार्ज है। ये पूछा नहीं जाता, आप जानते रहिए। देखिए यह भी हो गया कंसिडर रोस्टिंग मेटल और रिफाइनिंग, यह भी हो गया। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सट्रक्शन ऑफ आयरन कॉपर,
देखिए यह कॉपर का एक्सट्रैक्शन है, इसी साल पूछा था 7.5 नंबर में, आप इसको देख सकते हैं, इसी साल पूछा गया था। देखिए बेसेमराइजेशन, देखिए आप इतना जब लिखेंगे तब 7.5 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। देखिए सिल्वर का है एक्सट्रैक्शन, इस तरह से आप लिखेंगे तो 7.5 नंबर पाएंगे, यह इम्पॉर्टेंट है। यह साइनाइड सेवेरल हावर्स, प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी। कुछ इसके इधर है सील, देखिए यह आयरन का इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका पूरा नहीं है, पर हम आपको इसका फ्लोशीट डायग्राम दिखा देते हैं, आप उतना भी कर देंगे तो पर्याप्त है। यह आयरन का फ्लोशीट डायग्राम है, आप इतना भी एग्जाम में दिखा देंगे, ऐसे ऐसे होता है, इतने प्रोसेज होते हैं, तो आपको भी नंबर इतना पर्याप्त मिल जाएगा, इतना प्रोसेस होने के बाद तभी आपको प्योर आयरन मिलता है। और यह देखिए एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का इतना प्रोसेस होता है तब जाकर हमको प्योर एल्युमिनियम मिलता है। देखिए इसके नीचे आप करेंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है, फिर हुप, यह हुप है, हुप प्रोसेस, इतना प्रोसेस करेंगे तब जाकर हमको प्योर एल्युमिनियम डिपॉजिट एट ए कैथोड के नीचे प्राप्त होता है। देखिए यह सब हो गए, अब हम आपको दिखाते हैं ये वाला इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस फ्राम स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एलुमिना सिलिकेट क्ले माइका कार्बन जियोलाइट, तो आप देखते रहिए। देखिए क्ले है, क्ले माने मिट्टी, या मिट्टी के बारे में है, यह भी इस साल पूछा गया था। टाइप्स ऑफ क्ले, प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी, सेकेंडरी क्ले, और क्ले की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब यहाँ से माइका, माइका क्या होता है, यह नॉट अफेक्टेड बाय हीट और इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यह इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और आते देखते हैं यह अभ्रक है, अभ्रक ए बी एच यहाँ रहना चाहिए, थोड़ा सा मोको विट, इसमें कार्बन था ना, पूछा था कार्बन, कार्बन के भी बारे में, तो कार्बन के बारे में भी आप देख लीजिए। कार्बन एलोट्रॉपिक माने अपर रूप, फार्म ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप, डायमंड होते हैं, फिर आकुपाइज इनसिग्निफिकेंट प्लेस इन द डायमंड मैप ऑफ द वर्ल्ड, चीफली
अफ्रीका। देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ इस प्रकार का डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। और देखिए प्रॉपर्टीज डायमंड के, अब ग्रेफाइट, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। देखिए ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज होती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और यूज इसका, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, यूज इन मेकिंग ग्रेफाइट्स क्रिस्ट। देखिए उसमें सिलिका भी पूछा था, सिलिका यह देखिए आया था इसी साल सिलिका। सिलिका इसी साल आया था, आप देख सकते हैं। सिलिका के यूज ऑप्टिकल दृष्टि संबंधी इंस्ट्रूमेंट उपकरण, लेंस, वेसल, बर्तन, पोर्सलिन डिस्क, चीनी मिट्टी के बर्तन। देखिए जियोलाइट इसी साल आया था। और इसके आगे रीजेनरेशन ऑफ जियोलाइट, देखिए इसके फिगर हैं, फिगर हम आपको नीचे दिखाएंगे बाद में। एडवांटेज ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, देखिए एक स्ट्रक्चर इसी साल पूछा गया था यार। यह फिनोसाइट, फिनासाइट। देखिए एलुमिना सिलिकेट, क्ले माइका या कार्बन जियोलाइट सब हो गए। अब हम आपको कुछ पेपर हल किए हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2017 का है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम, 2017 का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट। यह हमने कुछ प्रश्न है इसको नहीं किया है, बाकी नीचे का किया है। व्हाट इज स्मेल्टिंग और कैटेलिटिक कैटेलिस्ट, तो आप देखिए डिस्टिलेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ और Al2, राइट टू और आप आयरन। देखिए हमने आपसे उधर बताया था, इसी तरह पूछता है। या देखिए क्रैकिंग हमने बताया था, क्रैकिंग भी पूछा 2017 में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराल, देखिए ग्लिसराल का स्ट्रक्चर ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, किसी भी प्रकार से आप लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कई प्रोसेस हैं रिफाइनिंग के। देखिए ये सब
बाई डिस्टिलेशन, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग लिखा है, रिटाइनिंग नहीं। अब देखिए थोड़ा बारीक अक्षर है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट्स आटोन्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए हमने कहा था ना एल्कोहल के बारे में पूछता है, देखिए यहाँ पर पूछा है। और आगे देखते हैं, टर्सरी देखिए, हाइड्रो फार्मिंग एंड रिफाइनिंग आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बताया है, हाइड्रो फार्मिंग के बारे में बताया है, अगली वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। फिर देखिए यहाँ पर राइट ए नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्स के बारे में देखिए कहा था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा है हमने ये पेपर किया, आप भी नोट से बनाइए ऐसा। देखिए स्ट्रक्चर है स्टार्च के, ये सब तो हमने आपको आगे दिखाया है, फिर भी दिखा देता हूँ। देखिए कहा था जेनेरिक नेम के बारे में 60 नोट्स पूछता है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास कुछ और नोट्स है, एक हम आपको दिखा देना चाहते हैं। एक पेपर और मैंने हल किया है, 2014 का है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, व्हाट इज एलुमिना। तो आप एलुमिना के बारे में इतना लिखेंगे, आपको सब कहीं नहीं मिलने वाला इसका आंसर। देखिए ये इसी साल पूछा था, डिफाइन कैल्सिनेशन, तो आप इसके बारे में ऐसा लिखेंगे। राइट टू और आप कापर, कापर के देखिए केवल दो ही पूछा, लेकिन हमने यहाँ 5 लिखा है, आपको जो सर लगे वही। देखिए पल्वराइजेशन अगली वीडियो में हमने नहीं बताया था, यहाँ पर देखिए पल्वराइजेशन आप और का है, और आगे देखते हैं, और पल्वराइजेशन के बारे में व्हाट इज ऑटो कैटालिसिस, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा। नेचुरल गैस, देखिए पेट्रोलियम में हमने नेचुरल गैस नहीं दिखाया था, तो नेचुरल गैस का नोट्स आप यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए डिफाइन फॉर फ्यूरल हमने कहा था ना, उसका डिफिनेशन पूछता है। पिटूनियस कोल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, और भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए फिर क्रूड ऑयल माने पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से कितने फैक्टर निकलते हैं, हमने आपको फिगर में दिखाया है पेट्रोलियम के, ये तो आइसोमेरिज्म है, ये सब हमने दिखाया। और भी फर्स्ट सेकंड पेपर थर्ड का भी मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम और भी बीएससी से रिलेटेड बहुत से हमने पेपर नोट्स और पेपर सॉल्व किए हैं, वह भी अपलोड किए हैं, आप उसे भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नोट्स के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने पेपर नहीं दिया, हमारे चैनल पर पेपर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बहुत से हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आपको पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे पेपर के, आप वहाँ से सब पेपर देख सकते हैं। 2012 से लेकर 18 तक पेपर हैं, आपने अगर 3 साल के पेपर हल कर लिए तो आपका 60% तो फिक्स है।